हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपने नए गाने यू आर माइन को लेकर खबरों का हिस्सा बने हुए हैं और ये गाना इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि इसके जरिए सलमान खान पहली बार अपने भतीजे अग्निहोत्री के साथ काम कर रहे हैं और अब सलमान ने यू आर माइन का टीजर भी रिलीज कर दिया है। बता दें कि इस गाने को सलमान ने अपनी आवाज दी है, अग्नि ने इस गाने में रैप किया है और विशाल मिश्रा ने इसको कंपोज किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात में तमन्ना भाटिया ने गजब का डांस किया है, लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें जया बच्चन ने इस सॉन्ग पर ऐसा डांस किया कि सभी लोग दंग रह गए हैं। इस वीडियो में जया बच्चन की अदाएं इतनी ज्यादा कातिलाना है कि सभी लोग घायल हो गए हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि ये क्लिप फेक है और एआई की मदद से इस क्लिप को किसी फैन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है और अब इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। बॉबी देओल ने हाल ही में अपने दोनों बेटों को लेकर एक बात की है। एक्टर ने कहा कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उनसे ये कह दिया है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो इस इंडस्ट्री में है और अब एक्टर का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बॉबी देओल जल्द ही साउथ फिल्म कंगुवा में नजर आने वाले हैं। फिल्म धूम 4 से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो धूम 4 के लिए मेकर शाहरुख खान के साथ साथ रणबीर कपूर को भी विलन के रोल में कास्ट करने के लिए सोच रहे हैं। वहीं इस फिल्म में जहां कुछ फैंस शाहरुख खान को तो वहीं कुछ फैंस रणबीर कपूर को विलन के रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। कंगना रनौत की मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पिछले दिनों ही फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था जिसमें कंगना की उम्दा अदाकारी देख दर्शक उनके मुरीद हो गए थे। तो दूसरी तरफ इस पर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल फिल्म को लेकर पंजाब में विवाद शुरू हो गया है और कंगना के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की भी मांग की गई है। उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हॉस्पिटल रूम में नजर आ रही हैं। वीडियो में उर्वशी अपनी उंगली पर लगी चोट की झलक भी दिखा रही हैं और वीडियो में एक्ट्रेस को ऑक्सीजन मास्क पहने भी देखा जा सकता है। अब इसको शेयर करते हुए उर्वशी ने कैप्शन में लिखा प्रे फॉर मी। उर्वशी के वीडियो पर अब यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आ गए हैं और लोग लगातार उन्हें इस वीडियो पर ट्रोल कर रहे हैं। खबर है कि अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपने आलीशान घर को बेच दिया है जो मुंबई के लोखंडवाला मिनवरा में है। रिपोर्ट के मुताबिक मनोज ने ये घर अपनी पत्नी शबाना रजा के साथ साल 2013 में 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं अब लगभग 11 साल बाद मनोज ने अपना यह आलीशान घर 9 करोड़ रुपए में बेच दिया है। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी फिल्म वेदा को सिनेमाघरों में रिलीज का एक वीक पूरा हो गया है। हालांकि ये उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सेक्निल के मुताबिक वेदा ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को 52 लाख रुपए का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 16.82 करोड़ का हो गया है। फिल्म डॉन 3 इस वक्त लगातार लाइमलाइट में है। वहीं इस फिल्म के थर्ड पार्ट के लिए रणवीर सिंह को चुना गया है। फिल्म में उनकी जोड़ी कियारा आडवाणी के साथ नजर आएगी और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर और कियारा के साथ फिल्म डॉन 3 में एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला भी नजर आएंगी। जी हां, फरहान ने उन्हें फिल्म में एक आइटम सॉन्ग में डांस करने के लिए कॉन्टेक्ट किया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन का ऐलान हो गया है और अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो 2 का पहला प्रोमो भी सामने आ गया है जिसमें कपिल अपनी गैंग के साथ खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो 2 का प्रीमियर भी नेटफ्लिक्स पर ही किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।